हाय फ्रेंड, मैं रोहित पटेल आपके सामने एक बार फिर मैं अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट आर्डुइनो यूनो का फर्स्ट प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है हेलो वर्ल्ड। आर्डुइनो यूनो के साथ हेलो वर्ल्ड कैसे प्रोग्राम करें? आर्डुइनो यूनो ये बोर्ड आपको मार्केट में मिल जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की होलसेल मार्केट या जहाँ पर चिप वगैरह जहाँ मिलता है उस जगह पर आपको मिलेगा। और या नहीं तो इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं आप। इसे आर्डुइनो यूनो कहा जाता है। ओके, इसमें हम प्रोग्राम करेंगे पहला हेलो वर्ल्ड का। उसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा सर्किट बोर्ड, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा यूएसबी कॉर्ड और ज़रूरत पड़ेगा एक एलईडी का। हेलो दोस्तों, अगला स्टेप है आर्डुइनो का क्लाइंट डाउनलोड करना। क्लाइंट डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाइए और आर्डुइनो टाइप करना है आपको। जैसे ही आप टाइप करेंगे वैसे ही आपका वेबसाइट दिखाई देगा। यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक कीजिए। सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगा। इसमें से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते ही आपका आर्डुइनो का पैकेज डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। यहाँ जाके सिर्फ जस्ट डाउनलोड करना है फ्रेंड्स आप लोग को। और ये मेरा डाउनलोड होना चालू हो गया, लेकिन मेरे पास पहले से ऑलरेडी है इसलिए मैं अभी फ़िलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आप लोग डाउनलोड करेंगे और सेटअप से रन करेंगे। अगर आपके पास डेस्कटॉप का शॉर्टकट है तो डेस्कटॉप के शॉर्टकट से ओपन कीजिए, या नहीं तो फिर स्टार्ट मेनू में जाके अपने प्रोग्राम को फाइंड कीजिए और चालू कीजिए। दोस्तों, आप मेरा आर्डुइनो पूरी तरह लोड हो चुका है, लेकिन ये पुराना कोड है इसलिए मैं इसको क्लोज करके न्यू कर रहा हूँ। न्यू करने के बाद आपके पास क्लाइंट इस तरह आएगा। ये है आपका आर्डुइनो का विंडो, जिसमें ऊपर में वॉइड सेटअप रहता है, नीचे वॉइड लूप रहता है। ठीक है, इन दोनों के अंदर अपने को प्रोग्रामिंग करनी होती है। ये जस्ट C++ जैसा ही है। आगे हम देखेंगे कैसे इसमें कोडिंग करें। पहले अपने हेलो दोस्तों, अब अगली तैयारी है हम लोग को इसको सेटअप करना। तो पहले आप USB पोर्ट को आप अपने आर्डुइनो में कनेक्ट कीजिए और दूसरे हिस्से को आपको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना है। इससे हमको पावर और डेटा दोनों की सप्लाई आर्डुइनो के बोर्ड में होगी। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे, बोर्ड से कनेक्ट करेंगे, एलईडी जलना चालू हो जाए, RX TX में ब्लिंक होगा, फिर LED कंटिन्यू चलना चालू हो जाएगा। फ्रेंड, जैसे ही हम इसे अपने लैपटॉप के USB से कनेक्ट करते हैं वैसे ही इसमें लाइट जलने लग जाता है। एक RX होगा, TX होगा, उसके बाद एक LED होगी, छोटी सी LED होगी, वो जलने लग जाएगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, तो इसके आगे हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें आर्डुइनो यूनो के बोर्ड में सबसे पहले USB का पोर्ट लगाना पड़ेगा। ये जस्ट प्रिंटर के बोर्ड जैसा ही है। तो आप पहले पोर्ट में USB इंसर्ट करेंगे और दूसरा पोर्ट, आप USB पोर्ट आप अपने लैपटॉप में डाल सकते हैं। ये केवल पावर के लिए है, पावर लेने के लिए। बोर्ड में पावर और डेटा दोनों सप्लाई करता है। इस बोर्ड में दो हिस्से हैं, एक हिस्से में दो इनपुट है, एक डेटा के साथ पावर इनपुट करता है, दूसरा हिस्सा डायरेक्ट सहायता से हम बैटरी से पावर सप्लाई दे सकते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम मेनू में जाके फाइल में जाके न्यू करेंगे। सबसे पहले न्यू फाइल को हमको पहले कंपाइल करना है, फिर उसके बाद उसको अपलोड करना है। तो Ctrl+R होगा कंपाइल करने के लिए और Ctrl+U होगा अपलोड करने के लिए। तो Ctrl+R करने के बाद और Ctrl+U कर दीजिए, ब्लैंक फाइल आर्डुइनो यूनो में इंसर्ट हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले हम लोग को मेनू से जाके टूल मेनू में जाके पोर्ट में जाके कम्युनिकेशन पोर्ट चेक करना है, कॉम पोर्ट कनेक्टेड है या नहीं। उसके बाद अगला हमको स्केच में जाना है, फिर टूल मेनू में जाने के बाद वो कॉम पोर्ट चेक करना है। फिर उसके बाद हमें बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए हम टूल मेनू में जाएंगे और बोर्ड चेक करेंगे। बोर्ड के सामने
बोर्ड में जाने के बाद आर्डिनो यूनो ही रहना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों एक बार फिर कंट्रोल प्लस आर और कंट्रोल यू करके हम इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके आर्डिनो यूनो में का लाइट जलना चालू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर हम फिर से देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। ये आर्डिनो यूनो का बोर्ड, आर्डिनो यूनो का बोर्ड है। अब इसमें देखेंगे दो इनपुट हैं, एक जो हमारे पास यूएसबी पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट का सेकंड पार्ट पोर्ट को हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, और सेकंड वाला पोर्ट पावर के लिए है, क्योंकि हम यूएसबी से ही पावर दे रहे हैं तो हमको सेकंड पोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये आर्डिनो यूनो आप मार्केट में आराम से मिल जाएगा आप लोगों को, और नहीं मिला तो ऑनलाइन तो आप ऑर्डर कर ही सकते हैं, और 500-600 रुपये के अंदर आता है ये, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं कोडिंग सीखने के लिए दोस्तों। तो ये यूएसबी पोर्ट को, यूएसबी कॉमन कोड, यूएसबी का कॉम पोर्ट को मैंने ये डाल दिया यहाँ पर, और इसका सेकंड पार्ट मैंने अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया। इससे पावर ट्रांसफ़र होगा बोर्ड पर। सबसे पहले TX RX नाम के दो LED जलेंगे, और TX RX के बाद फिर उसके साइड वाला LED जलेगा। यही इसका दोस्तों हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, क्योंकि अभी इसमें डिस्प्ले लगा नहीं है। तो सबसे सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग सबसे सिंपल प्रोग्राम हम सबसे पहले बनाते हैं, वो होता है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। तो दोस्तों अभी हमने इसमें कोडिंग नहीं किया है, कोडिंग हम आगे चल के करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, उसके लिए आपको आर्डिनो का क्लाइंट में जाने के बाद आपको न्यू करना है। न्यू में जाने के बाद एक ब्लैंक फाइल खुलेगी, उसे कंपाइल करना है, ऑल्ट आर से कंपाइल करना है, ऑल्ट आर यूज़ करके कंपाइल करना है आप लोगों को। और कंट्रोल यू से अपलोड करना है। अपलोड करते ही जो ब्लैंक फाइल है, कंपाइल करने के बाद अगर जीरो एरर आता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल ब्लैंक फाइल ही है, तो जैसे ही कंपाइल करेंगे तो आपका कंपाइलेशन जीरो हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल यू करने पर ये जो प्रोग्राम है अपलोड हो जाएगा आपके बोर्ड में। बोर्ड में अपलोड हो जाने के बाद ये सिंपल मूवमेंट करेगा। तो दोस्तों अगर आपके में अगर नहीं हो रहा है ये प्रॉब्लम, तो सबसे पहले आप इस टूल्स मेनू में जाकर कम्युनिकेशन पोर्ट को चेक कीजिए, तो उसके बाद आपने बोर्ड सही वाला चुना है या नहीं इसे चेक कीजिए। कंट्रोल आर से कंपाइल या वेरीफाई होगा फ्रेंड्स, और कंट्रोल यू से अपलोड होगा। ओके, तो ये कम्युनिकेशन पोर्ट है, देखिए जैसे मेरा कॉम पोर्ट में लगाने के बाद सीधा कॉम पोर्ट दिखा रहा है आपको कि कॉम पोर्ट में मेरा कुछ जुड़ा हुआ है, और बोर्ड में देख लीजिए मैंने आर्डिनो यूनो डाला, सेलेक्ट किया हुआ है। फ्रेंड देख सकते हैं कौन सा बोर्ड लगा हुआ है हमारे पास, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देता है कॉम पोर्ट हमको, और अदर नेक्स्ट एक बार फिर मैंने इसको कंपाइल किया और कंट्रोल आर से मैंने कंपाइल कर लिया। इसे प्रोसेस होने के बाद कोई वार्निंग, कोई एरर नहीं है। अब कंट्रोल यू करके इसे हमने अपलोड करना है इसे। कंट्रोल यू जब तक नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ये इसमें जो प्रोग्राम है वो अपलोड नहीं होगा। अच्छा, ये प्रोग्राम भी दो हिस्से में है, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। वॉइड लूप का मतलब होता है एक ऐसा इनफाइनाइट लूप जो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, मतलब जो भी आपने कमांड दिया प्रोग्राम में लिखा और डाला वो तब एनी टाइम रन ही करता रहेगा। ओके, तो फ्रेंड आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक LED यूज़ किया। LED कैसे लगाना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। LED या LED जलाकर भी देख सकते हैं इसको, लेकिन इसके लिए कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको LED को के बारे में पहले चेक करना पड़ेगा।
एलईडी का प्लस और माइनस निकालना पड़ेगा पहले। इसका जो एलईडी जब भी मार्केट से खरीदते हैं तो एक पैर छोटा एक पैर बड़ा रहता है, तो छोटा पैर है इसका एलईडी का वो माइनस होता है, बड़ा पैर दोस्तों प्लस होता है। तो छोटे पैर को आपको ग्राउंड में रखना है। यहाँ पर पिन्स होंगे, 16 नंबर का पिन, 1, 2, 3, 4 से लेकर 16 नंबर तक के पिन होंगे और एक ग्राउंड होगा। तो आर्डिनो के ग्राउंड में आपको उसका छोटा पैर और बड़ा पैर आपको 16 नंबर की पिन में डालना है, तो ये लाइट जल सकती है। ओके, तो देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसी आगे फ्रेंड्स हम लोग को इसमें प्रोग्रामिंग करनी है, उसके लिए आप फाइल मेनू में जाइए, न्यू में जाइए, फाइल मेनू में जाइए, एग्जांपल्स में जाइए और एग्जांपल्स में जाने के बाद ये इसमें सबसे पहले बेसिक में जाना है आप लोग को और ब्लिंक को यूज़ करना है। बेसिक और ब्लिंक यूज़ करने के बाद एक बनी बनाई फाइल आ जाएगी आपके पास। इसे हम समझेंगे, इसी बारे में पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पर मैंने अपना स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट किया है ताकि आप लोगों को पूरा कोड दिखा सकूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड, इसमें आप अपने आर्डिनो के क्लाइंट को मैनेज करना है तो आपको फाइल मेनू में जाके प्रेफरेंसेस में जाना होगा। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आप चाहें तो इसके साइज़ वगैरह, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और कंफर्टेबल हैं तो मत कीजिए इसे। अब देखिए इस कोडिंग में स्टार्टिंग में जो लिखा है वो तो कुछ नहीं है, तो हम स्टार्टिंग के सारे पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ वॉइड सेटअप के अंदर का पार्ट देखिए। वॉइड सेटअप में फर्स्ट है इनिशियलाइज डिजिटल पिन। यहाँ पर डिजिटल पिन को एलईडी बटन में आउटपुट के रूप में इसको सेट किया गया है। ओके, इनिशियलाइज डिजिटल पिन एलईडी बटन एज एन आउटपुट, तो एलईडी बटन जो है आउटपुट के रूप में है। सेकेंड है द लूप फंक्शन रन ओवर एंड ओवर एंड ओवर फॉर एवर। ये लूप ऐसा फंक्शन है जो चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, रोकने की ज़रूरत भी नहीं है और रुकेगा ही नहीं। एक बार आपने अपलोड कर दिया प्रोग्राम, ये चलता ही रहेगा। तो देखिए इसके अंदर क्या है, डिजिटल राइट एलईडी बटन हाई, इसका यूज़ करके हम लोग, हमने पिन मोड को एक्टिवेट किया है तो एलईडी बटन जो रहता है हाई का मतलब ऑन, तो टर्न ऑन हो जाएगा, हाई करते ही एलईडी टर्न ऑन हो जाएगा। डिले 1000 मीन्स 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए लाइट जलेगी, डिले हुआ, पहले जलेगा लाइट, डिले होगा 1 सेकेंड का, फिर एलईडी बटन लो, दैट मीन्स एलईडी बटन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, लो का मतलब बंद हो जाना। फिर 1 सेकेंड वेट करेगा और लूप है तो फिर ऊपर जाएगा, एलईडी बटन को फिर चालू कर देगा, 1 सेकेंड वेट करेगा फिर। दोस्तों अब आगे हम यहाँ एक एलईडी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इसमें देखिएगा जब भी आप एलईडी मार्केट से ख़रीदते हैं तो एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा होता है, तो जो छोटा पैर है वो निगेटिव है और बड़ा पैर है वो पॉजिटिव है। इसे ध्यान से देखिए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, एक निगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आर्डिनो बोर्ड में 16 पिन है, 16 पिन के लिए जगह है और ओके, तो उसके बाद है ग्राउंड। तो इस पिन में से निगेटिव को कहाँ रखना है और पॉजिटिव को कहाँ रखना है वो देखना है। यहाँ मैंने आपको एक ग्राफिक दिखाया है, इस ग्राफिक के हिसाब से देख सकते हैं, लॉन्ग लेग को आपको 13 नंबर के पिन में होल में डालना है और छोटे को आपको ग्राउंड में डालना है। GND ग्राउंड है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के 3 को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा एक शॉर्ट लेग होगा, एक लॉन्ग लेग होगा। लॉन्ग लेग पॉजिटिव है, उसे 13 नंबर के पिन में डालना है और निगेटिव को ग्राउंड में। उसके बाद देखिए आपका जो डिले हो रहा था
और लाइट जल रही थी, अब वो LED में ट्रांसफ़र हो गया। LED भी 1 सेकेंड के लिए डिले में ऑन हो रहा है और 1 सेकेंड के लिए ऑफ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग Arduino के इनबिल्ट LED के साथ साथ हम दूसरे LED में भी एक्सटर्नल LED लगाकर भी हम लोग इसका आउटपुट को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा, अगर लग रहा होगा एक छोटा सा प्रोजेक्ट, तो ऐसा मत सोचिए। LED बहुत सारे काम आता है। LED का यूज़ करके हम लोग मॉर्फ कोड बना सकते हैं। दुनिया का बेहतरीन कोड है मॉर्फ कोड, जिसमें डैश डॉट का यूज़ करके किसी भी वर्ड को, कैरेक्टर को कंपाइल कर चेंज किया जा सकता है। जैसे मॉर्फ कोड करने के लिए हमने देखिए सेलेक्शन का तरीका चेंज किया है, जैसे 1000 सेकेंड डिले, 200 सेकेंड डिले। आप इसको सब एडिट करके आप अपने प्रोग्राम को हैक कर सकते हैं और LED को बंद चालू करना और बंद चालू करने की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोग्राम में रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, डिले को कम ज़्यादा करना पड़ेगा, हाई कब करना है, लो कब करना है, इसको मैनेज करते हुए आप चाहें तो एक आप अपना खुद का मॉर्फ कोड तैयार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपके सामने मॉर्फ कोड। अब हर एक कैरेक्टर का एक कोड है यहाँ पर दोस्तों। तो मैं आप लोगों को मॉर्फ कोड आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस मॉर्फ कोड का यूज़ करके आप अपने लिए अपने नाम को LED के मॉर्फ कोड में कन्वर्ट करके देखिए, ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, तो ये था मेरा पहला प्रोजेक्ट LED के ऊपर, हेलो प्रोग्राम, Arduino यूनो का फर्स्ट हेलो प्रोग्राम। ठीक है, हो सकता है इस पहले वीडियो में मैंने कुछ गलतियां की हो, और अगर कोई गलती अगर आपको पसंद नहीं आई, कोई भी खामी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी कमियां क्या है। और अगर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। ओके, थैंक यू।